हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उपासना कुकिंग। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सिर्फ 2 कप दूध से एकदम बाजार जैसी मटका मलाई कुल्फी की रेसिपी, जिसे घर पर बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि हमने ये मटका मलाई कुल्फी बनाने के लिए ना ही कस्टर्ड पाउडर का यूज किया है, ना ही मिल्क पाउडर का। रेसिपी बहुत ही खास होने वाली है, तो पूरा देखिएगा और एक बार ये मटका मलाई कुल्फी की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की ये मटका मलाई कुल्फी की रेसिपी। कुल्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में 5-6 बड़ी चम्मच चीनी डालेंगे। इसमें मीठा आप अपनी पसंद के अनुसार थोड़ा कम भी कर सकते हैं। आप चीनी पर 1/2 छोटी चम्मच पानी के छींटे डालेंगे। अब गैस को ऑन करेंगे और गैस को हमें मीडियम पर रखना है और इस तरीके से चीनी को लगातार चलाते रहेंगे और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि चीनी पिघलना शुरू हो जाएगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, अब चीनी पिघल गई है। इन्हें हम इसी तरीके से लगातार चलाते रहेंगे। अब चीनी का सारा मॉइस्चर खत्म हो गया है। अभी ये चीनी दोबारा से मेल्ट होना शुरू हो गई है। अब गैस के फ्लेम को धीमा कर देंगे और स्लो फ्लेम पर ही चीनी को मेल्ट होने देते हैं, तब तक जब तक कि ये हल्के गोल्डन कलर की नहीं हो जाती। और चीनी को हमें ज़्यादा डार्क भी नहीं करना है। जैसे ही चीनी गोल्डन कलर की हो जाएगी तो गैस को बंद कर देंगे। अब चीनी मेल्ट हो गई है और चीनी का गोल्डन कलर आ गया है। गोल्डन कलर आने पर गैस को बंद कर देंगे। अब ये शुगर कैरेमल बनकर तैयार है। अब हम इसे थोड़ा ठंडा करेंगे और उसके बाद हम इसमें दूध डालेंगे। वैसे आप सिंपल तरीके से भी दूध में चीनी डालकर ये कुल्फी बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से शुगर कैरेमल बनाकर ये कुल्फी बनाते हैं तो कुल्फी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब हम कढ़ाई में ये 250 ग्राम के कप से 2 कप दूध डालेंगे। कढ़ाई में ये 500 ग्राम दूध डालकर गैस को ऑन करेंगे और गैस की आंच को स्लो पर ही रखेंगे। जैसे ही हम इसमें दूध डालेंगे तो चीनी नीचे चिपक सकती है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे जैसे दूध पकता जाएगा शुगर कैरेमल मेल्ट होता जाएगा। अब हम ये दूध को लगातार चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि दूध में उबाल नहीं आ जाता। और ये देखिए फ्रेंड्स, अब दूध में उबाल आ गया है। अब हम दूध को 6-7 मिनट तक धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक ये दूध थोड़ा गाढ़ा भी हो जाएगा और गाढ़े दूध से कुल्फी बनाएंगे तो कुल्फी और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनेंगी। और जब तक ये दूध पक रहा है तब तक हम इधर एक कटोरी में 1 छोटी चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप यहाँ पर गेहूं का आटा डाल सकते हैं, या पीसकर काजू डाल सकते हैं, या बिस्किट भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम ये 1/2 कप दूध डालकर इनका पतला घोल बना लेंगे। दूध इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे ताकि इसमें गांठे ना बने। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। चलिए तो अब चलते हैं अपनी कढ़ाई की तरफ। 5-6 मिनट के बाद ये देखिए इधर हमारा दूध भी अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें दूध में घोला हुआ कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स करते जाएंगे। एक साथ में पूरा नहीं डालेंगे, नहीं तो दूध में गांठे पड़ सकती है। हम इसमें कॉर्नफ्लोर या गेहूं का आटा या काजू पीसकर इसलिए डालते हैं ताकि दूध बिना मावा डाले ही एकदम से गाढ़ा और क्रीमी हो जाए। अब हम इन्हें 4-5 मिनट तक पका लेते हैं। गैस के फ्लेम को स्लो पर ही रखेंगे। 5 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि दूध बिना मावा या मिल्क पाउडर डाले ही कितने अच्छे से गाढ़े हो गए हैं। तो अब हम इन्हें गैस से उतार लेते हैं और इस तरीके से चला चला कर इन्हें थोड़ा ठंडा कर लेंगे। अब मटका कुल्फी का दूध ठंडा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे ये 2 बड़ी चम्मच दूध की मलाई। मलाई को मैंने स्पून से थोड़ा सा फेंट कर लिया है। हम ये मलाई मटका कुल्फी बना रहे हैं तो इसमें ये मलाई तो डालेंगे ही। मलाई डालने से इस कुल्फी का टेस्ट 2 गुना बढ़ जाएगा। मलाई को मिक्स कर लेते हैं। अगर आप इसमें
इलायची पाउडर डालना चाहते हैं तो इस टाइम पर थोड़ा इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, या ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो छोटा छोटा काटकर ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। लेकिन आज मैं इसमें कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, तब भी ये मटका मलाई कुल्फी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और ये देखिए, ये मटका कुल्फी का दूध कितना गाढ़ा और क्रीमी लग रहा है। अब ये दूध मटका मलाई कुल्फी जमाने के लिए तैयार है। अब हम इसको कुल्फी के मोल्ड में सेट करेंगे। अगर आपके पास इस तरीके के कुल्फी के मोल्ड नहीं है तो आप इस तरीके के छोटे वाले जो स्टील के ग्लास आपके घर में हैं उनका यूज़ भी आप कुल्फी जमाने के लिए कर सकते हैं, या आपके पास इस तरीके के बॉक्स हों बॉक्स में भी आप ये कुल्फी को सेट कर सकते हैं। बॉक्स में भी ये कुल्फी बहुत ही अच्छे से सेट हो जाती है। या आपके पास इस तरीके के पेपर कप हो तो आप ये कुल्फी पेपर कप में भी जमा सकते हैं। तो पहले हम ये कुल्फी मोल्ड में इस तरीके से कुल्फी मिक्स को डाल लेते हैं। कुल्फी मोल्ड में कुल्फी का मिक्स अच्छे से फिल करने के बाद अब हम इन्हें साइड में कर देते हैं। अब हम ये ग्लास में भी मटका मलाई कुल्फी के मिक्स को भर लेते हैं। अब हम ये ग्लास को कटोरी से कवर कर देंगे और साइड में रख देते हैं। अब ये कुल्फी मोल्ड को भी फॉयल पेपर से कवर कर देते हैं। चाहे तो आप ये कुल्फी मोल्ड को कुल्फी मोल्ड के ढक्कन से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन मैं इनके ऊपर आइसक्रीम स्टिक लगाऊंगी। मुझे ये स्टिक के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और इनके बीच में हल्का सा कट लगाएंगे ताकि आप इसमें आसानी से स्टिक लगा सकें। चाकू से कट लगाने के बाद ये स्टिक लगा देते हैं। अभी ये रेडी हो गई है, तो अब हम इन्हें फ्रीजर में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं। 6 से 7 घंटे लग जाते हैं इन्हें सेट होने में। 7-8 घंटे के बाद ये देखिए, अभी ये मटका मलाई कुल्फी जमकर तैयार है। तो चलिए पहले हम ये गिलास से कुल्फी निकाल लेते हैं। गिलास से निकालने के लिए इस तरह आप अपने दोनों हाथों के बीच में गिलास को कुछ सेकेंड के लिए घुमाएं और इस तरह हल्का सा पटक कर बहुत ही आसानी से आप इन्हें निकाल लेंगे। अब हम इन्हें चाकू से 4 पीसेस में कट कर लेंगे। बहुत ही आसानी से ये कट हो जाती हैं। ये देखिए बिल्कुल इस तरह, कितना आसान है इन्हें कट करना। अब मैंने यहाँ पर ये फ्रूट खाने वाली स्टिक ली है। स्टिक को इस तरीके से लगा देंगे, ये नीचे से थोड़ी नुकीली होती है तो आसानी से लग जाएंगी। और ये देखिए कितनी बढ़िया क्रीमी ये मलाई कुल्फी लग रही है। अब हम ये कुल्फी मोल्ड से भी कुल्फी निकाल लेते हैं। पहले हम ये सिल्वर फॉयल पेपर को हटा लेंगे। आप कुल्फी निकालने के लिए या तो आप कुल्फी मोल्ड को कुछ सेकंड के लिए पानी में डीप कर सकते हैं, लेकिन अभी काफी गर्मी पड़ रही है तो ये आसानी से ऐसे ही निकल जाएंगी। आप कुल्फी को इस तरीके से हल्का सा घुमाकर निकाल लेंगे। तो है ना कितना आसान इन्हें बनाना। तो आप भी एक बार ये कुल्फी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको भी ये कुल्फी रेसिपी जरूर पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि चैनल पर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।